विराट कोहली टीम में नहीं है, नो प्रॉब्लम। इंडियन टीम फर्स्ट टेस्ट में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, नो प्रॉब्लम। टीम के दो सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर्स टीम में नहीं है, नो प्रॉब्लम। इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे रविंद्र जडेजा ने बना दिया नो प्रॉब्लम, बता रहा हूं इस 3 मिनट की वीडियो में। पहले टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर सेकेंड टेस्ट में पलटवार कर दिया है। विराट कोहली के इंडिया वापस जाने के बाद जब उनकी जगह रविंद्र जडेजा को टीम में लिया गया तो कोई नहीं सोच सकता था कि जडेजा टीम के लिए वो कर देंगे जो टीम इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत थी, पॉजिटिव इंटेंट। बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग तो भैया जडेजा की लाजवाब है ही। सेकेंड टेस्ट के पहले ही दिन जडेजा ने अपनी प्रेजेंस फेल्ट करा दी थी जब उन्होंने मैथ्यू वेड का पीछे की तरफ भागते हुए एक लाजवाब कैच पकड़ा था, वो भी तब जब दूसरे फील्डर शुभमन गिल कैच लेने की कोशिश में उनसे भिड़ गए थे। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में इतने हलुआ कैच टपकाए थे कि जडेजा की फील्डिंग ने मानो पूरी टीम इंडिया को चार्ज सा कर दिया। जडेजा के सिलेक्शन ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को 5 बॉलर्स के साथ पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करने का कंफर्ट दिया और जडेजा ने बॉलिंग करते हुए एक विकेट भी लिया, पर डे वन तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे दिन जब जडेजा बैटिंग करने आए तो इंडिया के 173 पर आते आते 5 टॉप बैट्समैन आउट हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स तो सर पर चढ़कर नाच रहे थे, पर जडेजा ने दिखा दिया कि संजय मांजरेकर उन्हें भले ही बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर माने पर टीम को जब जरूरत होती है तब जडेजा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जडेजा ने ना सिर्फ बेहतरीन हाफ सेंचुरी मारी बल्कि कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ 6 विकेट की पार्टनरशिप के लिए 121 रन जोड़ दिए, जिससे इंडिया को पहली पारी में 131 रन की बढ़िया लीड मिली। बैटिंग के बाद जब जडेजा ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बॉलिंग करने आए तो पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू वेड को आउट किया और फिर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन को भी आउट करके ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। पहले 3 दिन में जडेजा ने अपने तीनों स्किल्स, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से टीम इंडिया को लिफ्ट किया है। क्या 4थे दिन रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट ब्लो देकर टीम इंडिया को मैच जिता पाएंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन जडेजा की ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस तुक्का नहीं है, इनफैक्ट रविंद्र जडेजा इस टाइम टीम इंडिया के लिए सबसे वैल्यूएबल ऑलराउंडर हैं। 50 टेस्ट के बाद 35 से ऊपर का बैटिंग एवरेज और 25 से नीचे बॉलिंग एवरेज, ये बिट्स एंड पीसेस नहीं, बोनाफाइड ऑलराउंडर के स्टैट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस टाइम क्रिकेट खेल रहे दुनिया के बेस्ट 2 ऑलराउंडर के नाम बताइए तो ज्यादातर जवाब होंगे शाकिब अल हसन या बेन स्टोक्स। अब कंपैरिजन के लिए बता दूं कि बांग्लादेश के शाकिब अल हसन का बैटिंग एवरेज 39 का है जबकि बॉलिंग एवरेज 31 से भी ऊपर का है, जबकि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स का बैटिंग एवरेज 38 से कम है और बॉलिंग एवरेज 31 से ऊपर है। तो फिर हमारी टीम इंडिया जडेजा को हाईली रेट क्यों नहीं करती? डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरीज के बाद भी जडेजा की बैटिंग को हाईली रेट अभी तक नहीं किया जाता था क्योंकि इनिशियल सालों में उनका बैटिंग एवरेज काफी पुअर था, पर जहां 2019 में जडेजा का बैटिंग एवरेज 62 के ऊपर का था वहीं 2020 में तो उनका बैटिंग एवरेज लगभग 65 का है। तो चलिए दुआ करते हैं कि 2021 में जडेजा बॉल और बैट दोनों से ही और झंडे गाड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जडेजा एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं जिन पर टीम इंडिया हर फॉर्मेट में डिपेंड कर सकती है, या आपको अभी भी वो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर लगते हैं? कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। बाकी क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए मैं मिलता रहूंगा आपको कहाँ, यहीं पर भाई, अनकट पर। देखते रहिए अनकट।